कहाँ से आ रहे हैं आप? हम झारखंड से आए हैं, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ का पता कैसे मिला आपको? हमको यूट्यूब दोबारा मिला है। पहली बार आए कि दूसरी बार आए? मैं दूसरा बार आया हूँ। पहली बार आए थे तो काम कराया के कितना फ़ायदा हुआ आपको? फ़ायदा तो काफ़ी है क्योंकि बहुत परेशान रहता था। कितना 100 में से कितना परसेंट? 50% तो मिनिमम। 50%। क्या क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत यही मतलब जैसे इसको थोड़ा देर इसको छोड़ दिया जाए तो इसको बोलता है कि मेरे यहाँ पकड़ के बैठा है कि कोई आ गया है ऐसा। डॉक्टर को नहीं दिखाया आप? डॉक्टर को बहुत इलाज किए। तो क्या डॉक्टर बता रहे थे? डॉक्टर को तो जो देखिए डॉक्टर बोला सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द का दवा देगा, पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द का दवा देगा। उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। हाँ। कितने साल से डॉक्टर को दिखा रहे हैं? ये मिनिमम 4-5 साल से। बाबा लोग को कितना दिखाए? बाबा लोग को भी काफी लोग को दिखाए। तो क्या बोले? चिरुआ को थी ना रे, तो वह चिरुआ भी गए, वो चिचाकी में है ना, वहाँ पे क्या हुआ? तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बोलता नहीं था, इसका मुंह खुलता नहीं था, ऐसे खाली झुकता और बस ऐसे। तो तीन चार बार फायदा नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। घर में बहुत परेशान करती है वहाँ, तो जाते हैं तो कुछ नहीं मिलती। वीडियो बन रही है, यूट्यूब पे जाएगी, आपको पता है ना? हाँ बिल्कुल पता है सर। अभी हाजिर के लिए बैठाए थे, 100 में से 50% हाजिर होते हैं, 50 नहीं होते। अच्छा, तो अभी हाजिर के लिए बैठाए, हाजिर हो गया, अभी इससे बातचीत करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कैसे मर गए थे? कैसे मर गए थे बोल। मुक्ति चाहिए तो जल्दी जल्दी बात कर लो। कैसे मर गए थे? मर गए थे या कोई मार दिया था? मार दिया था। कौन मार दिया था? मेरे माँ के साथ कोई था उसे। कैसे मार दिया था तुम्हें? जोर से बोलो। कैसे मार दिया था? पट्टी देखिए। कैसे मार दिया था तुम्हें? आप खोल के बात करो, सामने देखो, सामने देखो। कैसे मार दिया था? ये लड़की तुम्हारी कौन लगती है? मेरी बहन है। तुम्हारी बहन लगती है? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। तो राहुल था हमारा बड़ा लड़का, सगा सगा अपना मेरा लड़का। अच्छा, सेकंड मैरिज हुआ। अच्छा, सेकंड मैरिज में ये है? कुछ पढ़े लिखे थे आप? हाँ। कितना पढ़े लिखे थे? 7 था। नाम लिखने आता है? हाँ। लिखिए नाम। आप खोलो, लो पेन पकड़ो, नाम लिखो। जैसे अपना नाम लिखे थे वैसा नाम लिखो। आँख खोल लो, आँख खोल के देखो। ये आपकी लड़की की साइन है? नहीं, लड़की का नहीं, लड़का का। लड़के का, लड़के का। हाँ, लड़का का। हाँ, लड़का का। अभी जो लड़का मर गया है उनका उसकी साइन है, अभी इनसे भी करवाएंगे, फिर राइटिंग मैच करते हैं। तो आता परेशान कर करो बेटा, इसको परेशान क्यों करता है तू? अपना ले अपने यार। क्या भेज ले? कैसे मार दिए थे तुम्हें सर? दौड़ने जाता था उसे उनको मार दिया। किस चीज से मार दिया? तो चिल्ला बरसा नहीं, काला जादू करके मार दिया या ऐसे? थोड़ा क्या मारा कुछ बता, साथ साथ बता। किस कैसे मर गए थे? कैसे मारे थे तुम्हें? वही बता। कैसे बताओ? सच बोल, घरा परेशान कर रहे हो तो। ये कौन है तुम्हारे? इधर देखो, इधर पापा। और ये कौन है? ये माँ है। कैसे मार दी थे तुमने सब? बताओ इनको।
रहे थे, क्या बता रहे थे, दौड़ रहे थे, कैसे मार दिए? जल्दी जल्दी बात करो, जल्दी जल्दी बोल, अगर क्या क्या परेशान करो इसे बोल, सबको बुलाओ, सबके बुलाओ। ओए ना है तुम गए चल गल तू सब चल गल तू क्या बोल रहे हो? सब चल गया, कोई नहीं आया। इसको कोई करके कौन खिलाया इसको? ससुराल से। ससुराल से कौन? हम नहीं पहचानते उसको। इसकी क्या लगती है वो? हम कुछ ना करिया तो कर, ओ परेशान करके बुरा। कौन है वो, इसकी कौन लगती है, इस लड़की की कौन लगती है वो? मम्मीया के साथ ही उससे सब पूरा परेशान कर रहे थे। क्या काम है साथी? क्या बोले तो मैया साथी क्या कहो? हां बताने वो परेशान बहुत कर रहा। कहां कहां से तू सब? हां ना मालूम। तो कहां के को डंडा लेके चिकला भर के इन दोनों जगह के तू चिकला भर से क्या बदले है? जल्दी बोला, जल्दी बोला। ना ये दोनों इसके आदमी को भी दिक्कत दे रही थी। क्या दिक्कत दे रहे थे? दोनों में लड़ाई करा देते होता है ऐसा? और क्या दिक्कत देते थे? बीमारी बहुत ज्यादा उसको भी, इसको भी। परेशान कौन करता है? उसको कुछ बीमारी भी दे रहे उसके आदमी को? कौन सी बीमारी? खून खून का लैटरिन होता है उसको। जो कि ससुर का परेशानी कौन कर रहा है? उसकी गोतियों में हमेशा। गोतियों में कौन गोतियों? नहीं मालूम, बैठे रहती है हमेशा उसी के पास। कब से हो उसके ऊपर? 2 साल से। इसको करके कौन खिलाया? मैं पता है तो नहीं पता होगा, आना होगा तो कहाँ पता चलेगा। 2 साल पहले अगर कपाल बाहर कहाँ जाए कमाले, क्या कर दिलवा हैं के ले मिस्टर के नेहरवा के ससुरिया के ऊपर लमिल के हाँ नजर के कारण करके सामने आंख खोल के देखो। आगे करिए चलो जाओ चिता पे तुरंत छोड़ो इसे। तो जलने के लिए दे दीजिए बाहर बैठे। चल भाग चीता पे छोड़ दीजिए। आइए उठाइए। कहाँ से आ रही हैं आप? क्या हुआ था अभी, कुछ याद है आपको? आपका कोई भाई गुजर चुका है पहले, राहुल नाम का, ये बात आप हमें बताई थी। वो आया था अभी, वो बातचीत किया है, वो साइन करके गया है। उसकी साइन छिपा देते हैं। आप कुछ पढ़ी लिखी हैं? इंग्लिश में नाम लिखने आता है। नाम इंग्लिश में लिखती है कि हिंदी में लिखती है? इंग्लिश में लिखी है यहाँ नीचे। साथ में राहुल दास भी लिखना, लिखो ना राहुल का भी नाम लिखिए साथ में। राहुल दास पिताजी से पूछिए नाम में अंतर है। देखिए बिल्कुल अंतर है ही है ना, ये अक्षर है अक्षर में कितने देखिए आप लोग भी देखिए, राइटिंग डिफरेंट है। ऊपर जो है वो मर चुका था,
नीचे भी ये साइन की अपनी, वो जो आप आई थी इसमें साइन किया अपना। ये कैमरे को भी दिखा दीजिए, ऊपर वाली जो मर चुका है वो है और नीचे जो लड़की है उसने साइन किया, अपना भी नाम लिख सकते भाई का भी नाम। बस यही है। कितने फोन करके पूछते हैं ये चल रहा है वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, आज क्या है, ईद है, ईद है ना। कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद बकरीद मुहर्रम कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो आंधी तूफान बारिश मुझे यहाँ आना है, जनता आए और चाहे ना आए। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ, कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीट कर देता हूँ, जा भाई और सब पे हाजिर हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है, तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलीट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास दो ऑप्शन है, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते, तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं। अरे गलती हो गया, यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो, मालिक पे, हो जाता है हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग तो जल्दी फोन उड़ गया तो आपको बोलना है ना हेलो कि हमें बोलना है। हाँ तो यही गलत है ना, हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे, ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा, दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो, सही है। मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे, सही है ना। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। हमें कहाँ से आया था, सूरजपुर, सूरजपुर भटगांव, सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, टोनाइन टाइन जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूँ या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूँ। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें, नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है, वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते ही रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए, जो भी आए डेट बाय डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है।
औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ। 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग भुगते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है, 2 दिन गुरुवार और रविवार 2 दिन 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च। विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वाह भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए। यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपये और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपये एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है, इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।